वीडियो देखकर थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि आखिर ये मामला चोरी चकारी से जुड़ा हुआ है। असल में गुजरात के बारडोली शहर में चोरों ने एक कार से 20 लाख रुपए कैश उड़ा दिया। चोरों ने कार का शीशा तोड़ कैश निकाला और तुरंत रॉकेट की स्पीड से भाग निकले। लेकिन पैसों से भरा बैग लेकर भाग रहे चोर का बाइक सवार दो लोगों ने पीछा कर लिया। पीछा करने वाली बाइक पर बैठे शख्स ने फुर्ती दिखाई और घटना का पूरा वीडियो भी बना लिया। बाइक चला रहे शख्स ने पैसे लेकर भागने वाले आरोपियों को कई बार रुकने की चेतावनी भी दी, लेकिन दूर जाने के बाद बैग चोरी कर भाग रहे चोर ने बैग सड़क पर फेंका और वहां से रफू चक्कर हो गया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक चोरों का पीछा करने वाले शख्स का नाम आदिल मेनन है। आदिल पैसों से भरा बैग लेकर बारडोली थाने पहुंचा। थाने में उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। आदिल ने बताया, शाम के करीब 5:30 बजे दो लोगों ने एक इको स्पोर्ट कार की विंडो तोड़कर पैसों से भरा बैग निकाल लिया और भाग निकले। मैंने उन्हें तड़ लिया और उनका करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछा किया। चोरों ने बैग रास्ते में ही फेंक दिया और भाग गए। इसके बाद मैं ये बैग लेकर बारडोली पुलिस थाने आया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस एक्शन में आई तो पता चला कि जिस कार की विंडो तोड़कर पैसा निकाला गया था वो कार बारडोली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी की है। ये वारदात कहाँ हुई थी, उस घटना स्थल का मुआयना करने के बाद वो गाड़ी जो है वो आम आदमी पार्टी के बारडोली के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी की होने का पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला। वो प्रत्याशी भी वहाँ पे आए और वो पैसे उन्हीं के हैं, वैसा बारडोली शहर पुलिस को उन्होंने बताया। इन द मीन टाइम जो ड्राइवर हैं जो पैसे लेके जा रहे थे वहाँ से, और उन्होंने बताया कि ये पैसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी जी ने ही उनको दिए हैं और उनकी पूछताछ में ये पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब डिटेल लेने के लिए बारडोली शहर पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना दी। आगे तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये पैसा आंगडिया पेडी से लाया गया था। सोलंकी का चोरी हुआ पैसा तो मिल गया, लेकिन सोलंकी एक नए खेल में फंस गए। पुलिस ने सोलंकी से जब पैसों के बारे में पूछा तो वो टाल मटोल करने लगे। सोलंकी पैसों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और जांच के लिए आयकर विभाग को फोन लगाया गया। इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए मामले में आयकर विभाग की मदद भी ली जा रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो अभी तक की जांच में ये पता चला है कि सोलंकी के पास ये पैसे हवाला के जरिए आए थे, लेकिन जानकारियों की पुष्टि होना अभी बाकी है। शुक्रिया।